आप मेरे सवालों का जवाब देना बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। मित्रा जी आपको पर्सनली किसी के लिए नहीं जाना है, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात सुनिए। आपकी सरकार को खतरा हो गया, हिलने लगे जितने प्रवक्ता हैं हिलने लगे सर। ये पॉलिटिकल बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल बात का जवाब तो हम देंगे ही। दुनिया को हरा दिया, घर में हार गए। करेला की सीट चुनाव हुआ था, घर में रखा था आपकी को हराया आपने। अरे आप अपना घर देखो, तारीख है मंजर को हरा दिया, घर में हार गए। जटवादी थी इस बात को सुनिए सर, 25 बार मैंने देश की जनता देख रही है आपको, वो आप लोग किस तरह से बहस कर रहे हैं आप ये बता रहे हैं। समझे कि नहीं, पहली बार कर रहे हो आप, मेरे शुरू करूंगा आप खोलना तो आपकी पार्टी की ऐसी की तैसी हो जाएगी, समझदार की नहीं। ये देखिए, ये आत्मविश्वास नहीं है। पॉलिटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा छलावा है। आदमी हारता रहता है फिर भी उसको दिखता है हम जीत रहे हैं। सवाल ये है, इसके पहले भी बहुत सारे चुनाव हुए, बीजेपी को भी लग रहा था कि हम जो है राजस्थान जीत रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ सीटों से हार गए। सारी पार्टियों के साथ ये होता है। आप ऐसे ही आप ये देखिए, इतने बड़े बड़े डिफीट हो जाते हैं कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कद्दावर नेताओं तक की हार हो जाती है। तो मैं इसको इल्यूजन बोलता हूँ, पॉलिटिकल इल्यूजन। सारी पार्टियां इस भ्रम में पड़ी रहती हैं, भले ही वो अपने आप को सुपर एक्सपर्ट समझती हो। 70 नैन्सी मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ये देश का दुर्भाग्य है। 70 साल से जो प्राइमरी मुद्दे हैं सेम है, आज भी मुद्दा बेरोजगारी का है, आज भी मुद्दा जो है रोजगार को पैदा करने का है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, भ्रष्टाचार का है। मोदी जी को करना यह है, बीजेपी को करना यह है, वो होल्ड ऑन के स्ट्रेटजी पे है कि भाई हमें जितनी सीटें मिली थी उतनी होल्ड रहे, उससे ज्यादा हम जितना ले सके वो हमारा सरप्लस है। चलिए अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। आपको बता दें पॉलिटिकल एनालिस्ट एके मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में एके मिश्रा जी, पहले आपके पास आऊंगी, कुछ ही देर में अगर हम बात करें, लगभग 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तारीख सामने होगी, क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी इस पर कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन जो अंदाजा लग रहा है जिस तरह की मीटिंग चली थी, जिस तरह से लग रहा था, अब यही है कि अब तारीखें सामने होगी। नहीं, डेफिनेटली नैन्सी मैं आपको बताऊं, मोस्ट अवेटेड ये था, हर पार्टी को इस चीज़ का इंतजार था जी। और चुनाव आयोग को मैं बधाई देना चाहूँगा कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और सही समय पे चुनाव के तारीखों को डिक्लेयर करना और चुनावों को करवा करके वो लोकतंत्र का जो आधार होता है, जो नींव होती है, उसको और मजबूत, उसको मजबूती देने का काम कर रहे हैं। तो ये तो स्वागत योग्य कदम है। और मैं समझता हूँ मेरे साथ जितने पार्टी के प्रवक्ता लोग बैठे हैं, सारे दल लोग, भले ही कुछ हो या ना हो, लेकिन तैयारी सबने कमर कस ली है शुरू से ही, अभी से नहीं, बहुत पहले से सारी पार्टियों ने कमर कस ली है। और अब की बार मुकाबला जो है बड़ा रोचक होगा, बड़ा निष्पक्ष होगा, बड़ा रोचक होगा। और ये चुनाव इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ना, असली दमखम किसकी राजनीतिक समझ, कूटनीति, विवेक कितना अच्छा है, अब की बार वो चुनाव में पता चलेगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी। चलिए देखते हैं इस बार का जो समीकरण निकलकर सामने आया वो क्या कुछ कहता है। अशोक पांडे जी आपके पास आऊंगी, अभी तो फिलहाल सरकार में है, अभी चुनाव आचार संहिता भी लगेगी, अभी इंतजार करना होगा, लेकिन कितनी तैयारी है? देखिए चुनाव की तैयारी तो लगभग हमारी पार्टी ने तो पहले से ही शुरू कर दी थी और सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू की है, ऐसी कोई बात नहीं है। और चुनाव की घोषणा होते ही सारी पार्टियां तैयार होंगी चुनाव के लिए और हमारी पार्टी तैयार है। चलिए तो अमित गुरुजी आपके पास आऊंगी, कांग्रेस पूरा दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है, अब बस इंतजार है कि, क्योंकि अगर अब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देता है तो ये इंतजार खत्म होगा कि 5 साल बीत चुके हैं। जी बेशक इंतजार आज खत्म हो रहा है, विदाई के पर्व का ये आखिरी शाम है, आखिरी दिन है। और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी और अन्य दल इंतजार कर रहे हैं, इस देश का युवा जो बेरोजगार है और किसान जो पूरी तरह से अपने हक और हुकूक की लड़ाई में पीछे रह गया है, वो भी आज इंतजार कर रहा है चुनावों का, क्योंकि उसके पास अब आज ये हैसियत होगी कि वह अगला राजा अपना तय करेगा और निश्चित तौर पर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बड़ा ही खुश होगा। आज इंतजार इस देश की जनता को है, दल को तो है ही है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की तैयारी का सवाल है, हम पूरे दमखम के साथ पूरे देश में अच्छे नियोजन के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा परिणाम के साथ साथ
सरकार भी बनाने का पूरा मादा रखते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ उम्मीद जो है, हालांकि आपके साथ तो नहीं रहा, लेकिन एसपी की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से तारिक अहमद लारी जी भी रख रहे होंगे, सर क्या कहेंगे? मैम हम लोग तो शुरू से तैयारी में थे जी, हम लोगों ने कभी भी तैयारी छोड़ी नहीं। आपने देखा है कि हम लोग कब से कर रहे थे, पिछले डेढ़ साल से हम लोग लगे हुए थे उसी में, और उसी का नतीजा थी गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, ये सब चुनाव भी हम लोगों ने जीते हैं। इसकी शुरुआत आप देख ही चुकी थी। अब आप कहें कि हम लोग ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की तो गलतफहमी होगी, कोई भी समझेगी कोई तैयारी नहीं है समाजवादी या गठबंधन की। तो हमारी पूरी तैयारी और शुरू से तैयारी के मूड में रहे हम लोग, और बीजेपी की तैयारी तो अभी से चालू हुई है, पुलवामा अटैक के बाद और पाकिस्तान अटैक के बाद से इन लोग का तैयारी चालू हुआ, क्योंकि उनका मकसद ही दूसरा था, तो उस मकसद के तहत उन्होंने अब तैयारी चालू की है। फरहत रईस जी क्या कहेंगे, क्योंकि अब चुनाव आयोग की ओर से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें साफ हो सकता है कि अब तारीख सामने आ जाए, लेकिन मकसद यही है, तमाम पार्टी जो है पूरी तरह से पुरजोर कोशिश में लगी है कि इस बार का चुनाव भी जीतना है। देखिए अब वक्त आ गया है डबल इंजन की सरकारों का रिजल्ट देने का। जुमलेबाजी की बात जो लोग करते थे, नहीं आया काला धन, नहीं आए 2 करोड़ रोजगार सालाना, कोई तरीके से कार्य नहीं हुआ, 370 नहीं हटा, दाऊद नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान का उससे बदतर हाल है, डॉलर की क्या कंडीशन है, जो अब घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का पिछले बार का दिखाए और जनता को बताए, जनता को फैसला करना है। और निश्चित तौर पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबाजी पिछले 5 साल से कर रही थी, अब वक्त आ गया है, चाहे वो मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड हो चाहे योगी जी का, दोनों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त है। और बहुत धैर्य से बैठी थी हमारी जनता, जो जिसको सिर्फ बेवकूफ बना करके 4 चीजों में फंसाया गया था, गाय, गोबर, पाकिस्तान, आतंकवाद, मुसलमान, बिल्कुल। लेकिन सर्वे तो कुछ और कहते हैं सर, वापस आओगे आपके पास एके मिश्रा जी, सर्वो की बात करें तो उसका जो रुख है वो कुछ और बदलता हुआ नजर आया है। लेकिन अभी मैं पहले सीट दर सीट समझ लेती हूँ, अगर मैं अलग लोकसभा सीट की बात करूँ तो वहां पर कितना सांसद ने काम किया, इसको लेकर हमारी टीम लगातार जमीनी स्तर पर उतरी है और देखा है कि किस सांसद ने कितना काम किया है। अभी सरकार बीजेपी की है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें 80 लोकसभा की सीटें, सबसे ज्यादा सीटें यहीं से आती हैं, और सीधा फोकस जो है एनडीए का बीजेपी का सिर्फ यही दिखाई दे रहा है, लेकिन कितना खरा उतर पाए होंगे? नैन्सी देखिए मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश को कोई भी पार्टी नकार नहीं सकती है, उसका रीजन है 80-85 सीट जहां पे हो आउट ऑफ 500 समथिंग तो कोई भी सरकार नकार नहीं सकती है। बीजेपी अपना फोकस करेगी, कांग्रेस भी करेगी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए तो जी जान लगाने वाली बात है, क्योंकि यही इसी जगह से वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बाहर तो लड़ नहीं रहे, उनके पास कोई विकल्प है नहीं। देखिए यहाँ पे होगा क्या, जब आप 5 साल सरकार में रहते हैं, नो मैटर आप बहुत बेहतरीन आदमी हैं, हर चीज बहुत बेहतरीन तरीके से आपने मैनेज किया, तो कुछ ना कुछ गलतियां या कमियां रह जाती हैं, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। मैं समझता हूं कि बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई होगी, रणनीति बड़ी साफ है जो मुझे समझ में आ रही है, वो है होल्ड एंड गेन। होल्ड का मतलब यह है कि जो इनकी पुरानी सीटें रही हैं 275 या जितनी भी रही हैं, उन सब चीजों को, उन सारी सीटों को होल्ड किया जाए, दिस इज वन। उसके बाद एडिशनल अगर इनको 300-400 जो भी इनका टारगेट है, जो इनकी स्ट्रेटजी हो, तो 150 अदर सीटें ये कहां से लाएंगे, उसके लिए एडिशनल गेन करने के लिए इन्होंने रणनीति बनाई होगी। दूसरी चीज अगर मैं बीजेपी की बात करूं, बीजेपी इस चीज को भी जानती है कि हो सकता है पुराने हम जहां पे जीते हैं उन जगहों पे कुछ कमी आ जाए, 10% 15% 20% की, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था भी बीजेपी ने की हुई है कि अगर मान लीजिए यूपी में पिछली बार हम 80 सीट ले आए थे, हो सकता है अब की बार 65 सीट आए, तो ये 20 सीट वो मैनेज कहां से करेंगे, इसका आंसर आपको मिल जाता है। बीजेपी के कैंपेन को पहले देखिए, क्यों इन्होंने बंगाल में इतना फोकस किया हुआ है लगातार, क्यों इन्होंने उड़ीसा में फोकस किया हुआ है, क्यों कर्नाटक में फोकस किया हुआ है। मजेदार बात यह है जहां पे भी इन्होंने फोकस किया, परसेंटेज ऑफ वोट या इनकी तरफ रुझान लोगों का बढ़ा है, तो 3-4 एडिशनल स्टेट में जो इन्होंने फोकस किया जहां बीजेपी कभी नहीं थी, वो इसी चीज को सोच के किया है कि हमें एक तरफ से लॉस होगा तो उससे ज्यादा हम गेन करेंगे। सवाल नंबर दूसरी पार्टियों का देखिए, यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कांग्रेस को एनालाइज करना। देखिए अब हो सकता है बाद में क्या हो पता नहीं, कांग्रेस अभी तक महागठबंधन में गई नहीं है,
महागठबंधन का प्रारूप हो सकता है ये 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद ये लोग खुल के सामने आए, अभी ये भी पत्ते नहीं खोल रहे हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस का देखा जाए तो कांग्रेस अलग है सपा बसपा इन सब के गठबंधन। हाँ, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया ना कि कांग्रेस अब अकेले चुनाव लड़ेगी, इस पर वापस आऊंगी। लेकिन मैंने इस बीच पहले ही ये बोला था, हाँ, आपके डिबेट में मैंने ये पहले बोला था कि ये कांग्रेस के लिए बेहतर होगा कि बैसाखी का सहारा छोड़ करके खुद अपने कदमों पे खड़े हो रेदर देन रीजनल पार्टी के द्वारा उनकी आर्म ट्विस्टिंग की जाए। चलिए बिल्कुल, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का समीकरण बना हुआ है ये आखिरकार कहां तक लेकर जाएगा, कैसा जो इसका परिणाम हो सकता है। और इसके अलावा भी सीट्स को लेकर हम तमाम जानकारी आपको देंगे कि क्या समीकरण पहले रहा था और अब क्या होने वाला है, किस पार्टी को किस तरह से लग रहा है कि चुनौती कितनी बड़ी हो सकती है, किस तरह से उसको मानकर चल रहे हैं, इसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले अजितेश आपका रुख करूंगी, 5 बजे की का इंतजार किया जा रहा है कि तारीख शायद आज सामने आ जाए, लेकिन उससे पहले हम समझे हलचल कितनी तेज नजर आ रही है। बिल्कुल नैंसी, सिर्फ 40 मिनट बचे हैं उस ऐलाने जंग में, यानी कि ऐलाने इलेक्शन में, जिसमें तारीखों का ऐलान होगा। लगभग 4:20 हो गया है, 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन में होनी है। 3:30 बजे से नैंसी मीडिया की एंट्री जो है वो अलाउड रखी गई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में मीडिया के लोग पहुंचेंगे और उनके इक्विपमेंट्स पहुंचेंगे, और चूंकि संवेदनशील जगह है तो चेकिंग वेकिंग तमाम, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो 3:30 से इक्विपमेंट्स के साथ एंट्री थी। हलचल तेज हो गई है क्योंकि लगातार लोगों का पहुंचना जारी है। 5 बजे से हम समझ आएंगे, लगभग 5 मिनट से, 2-3 मिनट पहले 5 बजे से हमें मिलने लगेगा फ्रेम, यानी कि इलेक्शन कमीशन की वो खाली कुर्सियां दिखने लगेंगी और पर 5 बजे जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हालांकि लगभग तारीखों के ऐलान में नैंसी 15 मिनट का प्रोसेस अभी बाकी है, क्योंकि जब 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो 15 मिनट तक ये जानकारी दी जाएगी किस किस राज्य में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, किस किस तरह से यहाँ पर कितने चरणों में होने हैं, कितने इंतजाम है, कितने बूथ हैं। उसके बाद लगभग 15 मिनट की जानकारी देने के बाद तमाम जो तारीखें हैं उनका ऐलान किया जाएगा। नैंसी, ठीक है, आप इस पर निगाहें टिकाए रहे और जो भी अपडेट है हम आपसे लेते रहेंगे। अजितेश, इस बीच जो है मैं अफसर आपका भी रुख करूंगी, ए के मिश्रा जी, अगर हम इस समीकरण को समझे, तारीख जो होगी अगर सामने आ जाएगी तो उसको भी समझना बहुत जरूरी होगा। देखा जाए तो 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव कितना अलग है इस बार के समीकरण को समझे तो। नैंसी देखिए, आपका क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेटेजिक है और इसका बड़ा साइंटिफिक इवेल्युएशन या आंसर यहाँ पे होना चाहिए। आप देखिए 2014 में हमें 3-4 पैरामीटर पे देखना चाहिए कि उस वक्त के इलेक्शन और आज के इलेक्शन में नेचर अगर देखा जाए, डायनामिक्स देखा जाए, इसके कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए और पैराडिग्म क्या शिफ्ट हो रहा है, क्या चेंज हुए हैं। देखिए 2014 में क्या था, दो पार्टियां आमने सामने थी, यानी एक बीजेपी प्लस थी, दूसरी कांग्रेस प्लस, कांग्रेस के छत्रछाया में सारी पार्टियां एक थी। आज ये चीजें अलग हो गई हैं, नई नई पार्टियां आ गई हैं, कई पार्टियां टूट गई हैं, एक तो चेंज ये हो गया। नेचर आप ये देखिए, उस वक्त जो नेचर था वो एक तरीके से आप देखिए कि बहुकोणी मुकाबला नहीं था, यानी दो मेन पार्टियों के बीच में जो है ज्यादातर लड़ाई थी, पब्लिक को एकदम क्लियर था कि बीजेपी वर्सेस जो है कांग्रेस की लड़ाई, कांग्रेस प्लस और बीजेपी प्लस की ये लड़ाई है, ठीक है। अब की बार आप ये देखिए, कई नई पार्टियां आ गई हैं, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, अब ये त्रिकोणी मुकाबला हो गया क्योंकि कांग्रेस का रुख अभी तक साफ नहीं है। कांग्रेस अगर अकेले लड़ती है, हो सकता है कुछ पार्टियां और है जो ये डिक्लेयर ना करें हम किसकी तरफ है, तो ये मल्टी एंगुलर फाइट हो जाएगी और ऐसे में बड़ा टफ हो जाता है प्रिडिक्ट करना या एनालाइज करना, ठीक है। पैराडिग्म को आप देखिए, पैराडिग्म शिफ्ट कहाँ हो रहा है, डायनामिक्स एंड पैराडिग्म एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है, ठीक है। पहले जो इलेक्शंस होते थे 2014 में बीजेपी विपक्ष में थी, बीजेपी सवाल पूछ रही थी, आज की डेट में बीजेपी को जवाब देना है, पहली चीज। उस वक्त जो है बीजेपी का क्या था, अटैक करना था और गेन करना था, आज बीजेपी को डिफेंड करना है। आज बीजेपी को अटैक वो करेगी तो अटैक भी वो कर रही है तो इसलिए कि अपनी सीटों को डिफेंड कर सके, ठीक है। तो बीजेपी को बीजेपी का जो है मेन टारगेट होगा वो डिफेंड करना, यानी कि डिफाइंड डिफाइंड और डिफेंड दोनों ही करना होगा, क्योंकि एक तो बताना होगा कि भाई हम कितना काम करते आ रहे हैं और इस बीच डिफेंड भी करना होगा, बचाव करना होगा कि भाई आप हम पे सवाल कैसे खड़े कर रहे हैं। आप सही बोल रही हैं, डिफाइंड विपक्ष को करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। बीजेपी तो देखिए फ्रॉम द डे वन, आप बीजेपी के कार्यकलापों को 5 साल में देखिए, फ्रॉम डे वन मैं ये बोलता हूँ कि हर दिन इन्होंने चुनाव का दिन मान के काम किया है, जो इनकी खास बात है, ठीक है। विपक्ष की पार्टियां तो अभी भी खुल के सामने नहीं आई है, बहुत कम रैली हो रही है, एग्जाम के एक महीने पहले पढ़ के आप कितने नंबर लाएंगे। डिफाइन यहाँ पे विपक्ष को करना पड़ेगा कि वाई दे आर बेटर इन कंपैरिजन ऑफ बीजेपी प्लस, बीजेपी को अपने आप को रीडिफाइन जरूर करना पड़ेगा कि हम
पहले अगर बेहतर थे 2014 में तो हम आज भी क्यों बेहतर हैं? ठीक है, अशोक पांडे जी आपके पास आऊंगी, कितनी बड़ी चुनौती समझ रहे हैं, अब तारीखें भी सामने आ जाएंगी, आपने बहुत सारी जो तैयारी है वो की है, देखा है किस तरह से लगातार जो है देश के प्रधानमंत्री लगातार रैलियां करते हुए नजर आए हैं, रैली को संबोधित करते हुए नजर आए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रचार प्रसार के रूप में आपने उनको रखा है कि स्टार प्रचारक के रूप में वो सामने आए, अमित शाह जो है वो सामने आए हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी बड़े लोगों को दी गई थी, कितनी बड़ी चुनौती समझ रहे हैं, तभी इतने लोग बड़े जो है उतारे गए मैदान में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मेन चुनौती है गरीबी और गुर्बत से निजात दिलाना और हिंदुस्तान में भारत माता के मस्तक को और ऊंचा करना तथा इस क्षेत्र में इस देश के अंदर आपकी बात पर तारिक अहमद लाली जी हंस रहे हैं, जो अराजकता का माहौल है उसमें अमन शांति लाने का काम करना। तो भारतीय जनता पार्टी ने दिन रात मेहनत करके इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूरे प्राण मन से लग करके काम किया और रिजल्ट जनता के सामने है और जनता इसका फैसला करेगी चुनाव में। मैं कह सकता हूं कि आज का हिंदुस्तान एक बदला हुआ हिंदुस्तान है। चलिए, कितना बदला है अशोक पांडे जी, कितना बदला है, मेरे सहयोगी अजितेश ने जमीनी स्तर पर जाकर देखा है, सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड हम लगातार दिखाते आ रहे हैं। अजितेश आपका रुख करूंगी, जमीनी हकीकत तो बहुत छानी आपने, देखा कि सांसद जितने कितने काम किए, तो अशोक पांडे जी को भी इससे वाकिफ कराएं जरा। ये अशोक पांडे जी खुद इस बात का बेहतर जवाब दे सकते हैं, चूंकि मेरा एक सवाल है अशोक पांडे जी से और वो सवाल का जवाब भी होगा कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें, 73+ जिस तरह से 73 सीटें आई थी 2014 में गठबंधन की, ऐसे में इस बार जब जिक्र हो रहा है तो ये खबर क्यों आ रही है और ये खबर सच है कि नहीं कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं इनमें जो 73 सीटें बीजेपी गठबंधन की थी उनमें से अब लगभग 30 कैंडिडेट जो हैं वो बदल कर आएंगे, नए कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाएगा और हमने खास तौर पर कुछ ऐसे सांसद हैं जो लगातार विरोधाभास की स्थिति में, अभी हाल ही में हमने जिक्र किया, आप अशोक दौरे इटावा से आप ले लीजिए या फिर बाकी और सीटों का जिक्र करें, ये क्यों बदले जा रहे हैं अगर बेहतर काम सांसदों की तरफ से हुआ है? जवाब दीजिए अशोक पांडे जी, जवाब दीजिए, क्यों इतने नाम जो है बदलने की अब नौबत आ चुकी है? काम देखिए, सरकार में और संगठन में निरंतर बदलाव होते रहते हैं, रिपीट कर रही है, अच्छा काम किया नहीं होता कि हमारे सांसदों ने काम नहीं किया। अगर बदलाव होगा तो उनको बेहतर जगह पर जहां पर उनकी आवश्यकता होगी वहां उनको लगाया जाएगा। बीजेपी ने बदलाव की बात की है तो बीजेपी ने बदलाव के तौर पर प्रधानमंत्री का चेहरा तो नहीं बदलाना सर, और हमारी सरकार का परफॉर्मेंस, इस बात को भी तो एक्सेप्ट कीजिए, बदलाव वहां ला रहे हैं आप जहां पर आपको लग रहा है कड़ी चुनौती है। 30 करोड़ जनता के सामने है और इस देश की जनता ने ये तय कर लिया कि इस देश के सच्चे राष्ट्रवादी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बना करके पहले से ज्यादा प्रचंड बहुमत दे करके उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी, ये जनता ने निर्णय कर लिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही जब से सरकार बनी है बराबर परिश्रम करके इस समाज के अंदर अराजकता को दूर करना, गरीबी गुर्बत को दूर करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, इसमें लगातार काम किया है और वो काम कोई ऐसा नहीं है कि जो दिखाई न पड़ा हो, दिखाई दिया है और क्रांतिकारी निर्णय किया है। को भी देख लीजिए वहां पर क्या हुआ, राजस्थान की सीट आपके हाथ से चली गई, क्या कहेंगे इसको लेकर, मध्य प्रदेश आपके हाथों से चला गया, राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा वोट परसेंटेज घट गया है, मध्य प्रदेश में हमको पहले से ज्यादा वोट परसेंटेज खाली सरकार के आंकड़े में और 2-4 सीट पीछे हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि जनता का माइंडर नहीं मिला, जनता का माइंडर तो लगातार जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है सर, आपको लगता है आपके लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, सरकार कम हो गया है वोट प्रतिशत, इसको समझिए, इसको आंकिए, वापस आऊंगी आपके पास। अमित गुरु जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित गुरु जी कितनी बड़ी तैयारी आप करके चल रहे हैं, क्योंकि चेहरा तो लेकर आ गए हैं प्रियंका गांधी का, लेकिन लगता है कि प्रियंका गांधी के दम पर चुनाव जीत पाएंगे 2019 का? डाउट बहुत ही उत्साह का माहौल है और प्रियंका जी के साथ इस देश का करोड़ों कार्यकर्ता भी साथ में है, मन से लगा हुआ है। आप जहां तक हमारी स्ट्रेटजी की बात कर रही हैं, अभी 5 राज्यों के इलेक्शन हुए, 15-15 साल से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये काबिज थे, वहां से हमने उखाड़ फेंका इनको। आपने देखा होगा
2014 के घोषणा पत्र और उस जुमलेबाजी के जो भी इनके पैतरे थे उस पे जनता को झांसे में देके सरकार में तो आ गए। 2014 की बात करूं, घोषणा पत्र को वही बंद करके उन्होंने रख दिए। जी नहीं, मैं आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप जितनी बात करना होगा करिएगा, सवाल जवाब देना लेना हमारा और आपका हक है। 14 की घोषणा पत्र को उन्होंने बंद करके रख दिया। आज वो नौजवान आज बड़ा खुश है, आज आखिरी शाम है, इस 16वीं लोकसभा का ये आखिरी शाम है। मैं आपको बताऊं, नौजवान खुश है, उसको 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात हुई थी, जॉब क्रिएशन कहीं हुआ ही नहीं, किसान खुशहाल होने वाला था, अच्छे दिन आने वाले थे। वह जनता जो अब करी कि मुझे वो अच्छे दिन नहीं चाहिए, अब सच्चे दिन चाहिए, सच्चे दिन का इंतजार अब उनका खत्म हो रहा है। आज सारा देश खुश है, बड़े लंबे समय से 4 साल से लोग इंतजार कर रहे थे। आप जाइए, आप इन चीज़ों को आंकड़े को आप देखिए, हमने तो जो परफॉर्मेंस दिया है, 5 राज्यों में 3 राज्य अभी जीत के आए हैं और ये 5 के 5 राज्य हारे हैं। उसके पहले कर्नाटक हारे, उसके पहले पंजाब हारे और गुजरात में नाक में दम कर रखा था कांग्रेसियों ने, बड़ी मुश्किल से वहाँ ये सरकार बना पाए। तो हमारी जो स्टैंड है वो नौजवान, किसान, महिलाओं की सुरक्षा और इनके घोषणा पत्र जिसमें 15 लाख रुपए देने वाले थे, जिसमें ये रोजगार देने वाले थे, जिसमें ये मेट्रो सिटी देने वाले थे, जिसमें ये बुलेट ट्रेन देने वाले थे, जिसमें ये क्या दिया, भारत का नक्शा और जो सामने है ना, नहीं बिल्कुल, आपकी सरकार में भी आपने बहुत वादे किए थे, कुछ भी नहीं क्या किया था, वो जनता ने जवाब उसका भी दिया था 2014 में जो हुआ था, हमने इसको भी समझना होगा, इसको भी समझना होगा। 2017 के चुनाव को भी समझ लीजिए, तत्काल पूरा कर दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी देख लीजिए ना, 90% वादे पूरे कर दिए। देखिए नतीजे 2014 के नतीजे में हम क्यों जाएं, 2014 के नतीजे को ले उसी लकीर को हम पीटेंगे तो हमारा काम नहीं चलने वाला है। वो एक जुमला भरा वो राहुल गांधी की नेतृत्व में कमी थी, इसीलिए प्रियंका गांधी को लाए, ये भी एक्सेप्ट कीजिए, क्या ऐसा था या नहीं था? बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी के नेतृत्व में, अरे भाई राहुल गांधी के नेतृत्व में हम 5 राज्य में नया नया सरकार बनाए, कर्नाटक बनाए, पंजाब में बनाए, छत्तीसगढ़ बनाए, मध्य प्रदेश बनाए, राजस्थान बनाए, राहुल जी के नेतृत्व को आप नकार सकती हैं? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों, राहुल जी का जो रिजल्ट है मैं तो उससे बात कर रही हूं ना, ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस ने बड़ा डिसीजन लिया, प्रियंका गांधी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तो कुछ वजह तो है ना उसके पीछे, क्यों क्यों किसी महिला को राजनीति में आने में कोई बुराई है क्या? क्या मैंने ऐसा कहा? आप बताइए, आप क्या मैंने ऐसा कहा? बिल्कुल नहीं सर, इसको पॉलिटिकल एंगल से ना, आपने नहीं कहा तो आप इस चीज को घेरिए, मुझसे मत घेरिए, आप ये बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बताइए कि प्रियंका गांधी को लाना मजबूरी थी, इसे एक्सेप्ट कीजिए ना, आंकड़े आप देखिए ना, कांग्रेस के लिए मजबूरी थी, इसको एक्सेप्ट कीजिए, क्यों मजबूरी थी, क्यों मजबूरी थी? अगर हमारे साथ देश के 4 करोड़ लोग और जुड़ जाए तो इसमें हमारी मजबूरी कहां से दिखती है? इससे पहले जो जोश क्यों है वो नहीं दिखाई दिया प्रियंका गांधी के आने के बाद, इतनी बड़ी रैली करना इससे पहले तो नहीं की गई, क्यों इतना बड़ा जोश जो कार्यकर्ता में है वो जोश अब नजर आने लगा? नैंसी जी मैं इसी बात को तो कह रहा हूँ, नैंसी जी मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने 3 राज्य लगातार जीते, कितने हारे सर ये भी बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी 7 राज्यों में लगातार फेल हुई, लगातार 7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी फेल हुई, हम क्यों जीत रहे हैं? आज देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है, गठबंधन की तरफ देख रहा है, उसका कारण है सारे 2014 के वादे जुमले बन गए। चुनौती है, इसको एक्सेप्ट करिए। अरे देखिए अब अच्छा ठीक है, आप बात कर रहे हैं कि अब हम अकेले अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं वहां पर SP BSP ने महागठबंधन में आपको नहीं जोड़ा, ठीक है, हालांकि अंदर खाने से आवाज आती रही है, इनडायरेक्टली कहा गया है कि आप उनके साथ हैं और वो आपके साथ हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सामने आते हैं और कहते हैं कि हम अब एकला चलो की रणनीति पर चलेंगे, अकेले ही चुनाव में उतरेंगे, सीट को लेकर आपसे बातचीत नहीं बन पाई ना, जो आपको प्रेजेंट किया गया सीटें, जो प्रोजेक्ट किया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कोई नई बात नहीं कही, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कोई बहुत नई बात नहीं कही, हम इसका ऐलान बहुत पहले से कर चुके हैं कि हम सारी सीटों पर लड़ेंगे। जहां तक सपा और बसपा के गठबंधन का बात है, उनके रास्ते जरूर अलग है लेकिन मंजिल जो उनका है वही मंजिल हमारा है, और हम UPA की सरकार बनाने के लिए हम सब एक साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो रास्ते अलग हैं लेकिन लक्ष्य हम दोनों का एक ही है, लक्ष्य एक ही। जहां तक आपने नेतृत्व की बार बार आपने बात किया, सीटों को लेकर बात नहीं बनी ना, ये एक्सेप्ट कीजिए, सीटों को लेकर बात नहीं बनी। तारिक अहमद लारी जी, आपके पास वापस आऊंगी, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तारिक अहमद लारी जी, सपा बसपा ये महागठबंधन एक साथ है, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं 2014 की, अब चुनाव को देखिए, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, योगी आदित्यनाथ जो CM है उनके कार्यकाल को लेकर
अगर जो सर्वे किया गया, जो हम जमीनी हकीकत पर उतरते हुए नजर आए, तो अभी भी लोकप्रिय हैं वो लोगों के बीच, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ मैंडेट जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या सर्वे सर्वे मैम, देखिए अभी मैं कुछ कहूंगा तो उसमें हो जाएगा कि आप अपनी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। मैं एक कंपनी से भी जुड़ा हूं जो सर्वे करती है, तो मुझे मालूम है सर्वे का नतीजा कैसे क्या करना होता है। वो छोड़िए, मैं तो मुद्दों की बात करता हूं। कांग्रेस की बातों पर मैं ना इत्तफाकी रखता हूं, बिल्कुल 100%। आपको मालूम नहीं हाफिज सईद भी मर गया, मसूद अजहर भी, सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए पहले पूरी बात। हाफिज सईद भी मर गया, मसूद अजहर भी मर गया। आपको मालूम है दाऊद इब्राहिम ने 14वीं मंजिल से कूद कर खुशकुशी कर ली। रोजगार तो इतना मिला हुआ है कि अब रोजगार इतना ढूंढा ढूंढा जा रहा है कि बेरोजगार मिल जाए। बेरोजगार अब इस हिंदुस्तान में कोई नहीं रह गया। 370 भी खत्म हो गई, 35 भी खत्म हो गई। तारिक अहमद लारी ने 100 एकड़ जमीन खरीदी अभी कश्मीर में जाके। एक ऐसा विषय गंगा तो इतनी निर्मल और साफ हो गई है, बिल्कुल ब्लू। उसको तो कम से कम अलग रख देना चाहिए ना सर, उसको कम से कम अलग लीजिए। मैम पहले सुन लीजिए, मैम सुन लीजिए, जवानों से जुड़े मुद्दे काला धन रखना चाहिए। कि मेरे खाते में 15 लाख कहे थे, 50 लाख रुपए आ गया। गौ हत्या इतनी रुक गई, गौ राष्ट्रपशु घोषित हो गया कि हम बीफ एक्सपोर्ट में आखिरी नंबर पे हैं दुनिया में। आपको 2017 के विधानसभा चुनाव ने बीजेपी ने आपको हार का सामना करवाने के लिए मजबूर कर दिया, समझिए इस बात को भी मैडम। उसके बाद आप भी समझिए कि हम लोगों ने नूर फूलपुर और गोरखपुर में कैसे मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री को धूल चटाई, कैसे हम लोगों ने नूरपुर में धूल चटाई, कैसे हम लोगों ने, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं ना। और मैडम इतनी मेहरबानी मोदी जी की है कि आप और हम आज कितने दूर बैठ के टीवी पे एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। मजबूरी क्या आ गई फिर? मोदी जी ने किया है। मजबूरी क्या आ गई कि समाजवादी पार्टी अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ रही बीएसपी के साथ? कहां तो आप पहले बीएसपी को लेकर तंज कसते नजर आते थे, मायावती को लेकर, अब आप बीएसपी के साथ हैं। मजबूरी तो है ना, ये भी मजबूरी ही तो है। तारिक अहमद लारी जी, हम तो दो लोग हैं मैडम, हम तो दो लोग हैं। ये तो 43 लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। आप सिर्फ ये कि लिखती बीजेपी प्लस, आप लिखिए ना बीजेपी और कौन कौन सी 43 पार्टियां, वो भी साथ में लिखिए ना। हमारे दो लोगों के चुनाव लड़ने से मिलकर लोगों को पता नहीं पेट में क्यों मरोड़ हो रहा है। अभी भाई कह रहे थे कांग्रेस के साथ बात क्यों नहीं बन पाई, कांग्रेस ये नहीं तो कांग्रेस ऐसी तो कांग्रेस ऐसी। अरे हमारी मर्जी, हम चाहे जिससे करें नहीं, बात नहीं बन पाई ना, कोशिश तो की गई। प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार के जो दौरान देखा गया, जो लोगों का जोश, कार्यकर्ताओं का जोश देखा गया, उसके बाद समाजवादी पार्टी और बीएसपी की ओर से कोशिश की गई कि कांग्रेस साथ आ जाए, लेकिन कांग्रेस की ओर से मना कर दिया गया। सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई क्या मैडम? कांग्रेस ने भी पहले मना किया, हम लोग भी कहे थे कि हम लोग का कोई गठबंधन नहीं होगा। हम किससे गठबंधन करें, किससे नहीं करें, इससे किसी को क्या मतलब? जो गठबंधन हुआ है तो मीटिंग क्यों की गई थी? सीटों की बात को लेकर मीटिंग क्यों की गई थी? क्योंकि आपको अरे अब हर चीज की चीज आपको बताएं, बाल की खाल निकालें, हम क्यों जवाब दें इस बारे में? आपको जनता जानना चाहती है सर, इनको जनता ही आपको वहां पहुंचाती है और जनता ही जानना चाहती है। हमारे सारे सवाल उन्हीं के लिए होते हैं। जनता जानना चाहती है कि मैडम, जनता जानना चाहती है कि अमित शाह को यह कैसे मालूम कि 250 किलो आरडीएक्स था? अमित शाह को कैसे मालूम कि 250 आतंकवादी मारे गए? अमित शाह को कैसे मालूम कि 250 मदरसे वहां पे उड़ा दिए गए? ये भी जनता जानना चाहती है। ये आज तो जनता नहीं, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, आप क्या समझे? एक जरूरत थी इस वक्त की। किस बारे में आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए हैं? केंद्र सरकार को जमकर घेरते नजर आए हैं। पहले जिस तरह से उनको जाने से रोका गया प्रयागराज से, उस को लेकर फिर से उसका जिक्र करते नजर आए हैं मैडम। वो चीज छोड़िए, आप ये बताइए 4 करोड़ की डकैती इस योगी पुलिस ने आज रात कल रात में डाली है, क्या अब पुलिस भी डकैती डालेगी? उससे पहले मर्डर कर दिया तिवारी जी का, जो एप्पल के मैनेजर थे, उससे पहले और कांड कर दिए। ये योगी की सरकार जब से आई है, क्योंकि क्रिमिनल क्या कह रहे हैं सर, किसने मर्डर कर दिया, क्राइम करते थे, किसका किसने मर्डर किया उसके बारे में बताइए ना, खुलकर बात करिए। इनका मैडम बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ मैं, इनके खुद के एफिडेविट की बात कर रहा हूँ, योगी जी के, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के एफिडेविट की बात कर रहा हूँ। उन्होंने खुद एफिडेविट दिया कि उनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमे हैं। कौन कौन से मुकदमे हैं?
और खुद ही जज बन रहे हैं, खुद ही वकील बन रहे हैं, खुद ही सब कुछ हो रहा है, खुद ही गवाह बन रहा है और कह रहा है मैं बेकसूर, मेरे खिलाफ जो केस है वापस लिया जाए। कितनी बड़ी चुनौती समझ रहे हैं आप 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है लोकसभा की 80 सीटें हैं यहां से जीते हुए मैम, हमें हम एक तरफा जीते हुए हैं, गठबंधन बहुत मजबूत है, गठबंधन के वोटर बिल्कुल मजबूत है, कहीं कोई एके मिश्रा जी आपकी तरफ आऊंगी, कुछ ऐसे वापस आती हूँ अहमद लारी साहब, वापस आती हूँ एके मिश्रा जी, हर कोई जीतने का दम भर रहा है, हर कोई जीतने का दम भर रहा है और साफ जाहिर सी बात है चुनाव में शायद जरूरी है, मजबूरी भी है क्योंकि जनता के सामने एक मैसेज देना होता है, लेकिन कितना अहम समझे, एक अगर हम देखें चेहरे, एक बड़े चेहरे देखें तो कौन से बड़े चेहरे इस चुनाव में आप मानते हैं कि 2019 के बड़े चेहरे हैं और सीधी टक्कर होती हुई नजर आएगी? नहीं देखिए ये एक चीज मैं बोलूंगा, आशावादिता होपफुलनेस अगर सीखना है तो राजनीतिक राजनेता भाइयों से सीखना चाहिए, वोट अंतिम वोट काउंटिंग अंतिम वोट काउंट जब होगा तब भी ये बोलेंगे उम्मीद रखते हैं हम जीतेंगे, खैर शुभकामनाएं मेरी सबको है। ये देखिए ये आत्मविश्वास नहीं है, पॉलिटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा छलावा है, आदमी हारता रहता है फिर भी उसको दिखता है हम जीत रहे हैं। सवाल ये है इसके पहले भी बहुत सारे चुनाव हुए, बीजेपी को भी लग रहा था कि हम जो है राजस्थान जीत रहे हैं सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ सीटों से हार गए, सारी पार्टियों के साथ ये होता है। अरे बड़े गोरखपुर फूलपुर की बात कर लिए ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अरे सर आप का अरे लारी साहब आप सुनिए तो मैं सबकी राजस्थान क्यों पहुंच रहे हैं, अरे मैं सबकी बात कर रहा हूँ तो यूपी का क्षेत्र की बात, राजस्थान इसलिए आपको भी सुना कॉन्सेप्ट बताना है, उन्होंने आपको भी सुना तो आप भी सुन लीजिए एक बार, ऐसे ही आप ये देखिए इतने बड़े बड़े डिफीट हो जाते हैं कि बड़े बड़े नेता बड़े बड़े कद्दावर नेताओं तक की हार हो जाती है, तो मैं इसको इल्यूजन बोलता हूँ, पॉलिटिकल इल्यूजन। सारी पार्टियां इस भ्रम में पड़ी रहती हैं, भले ही वो अपने आप को सुपर एक्सपर्ट समझती हो 70, मैं एक सवाल पूछूंगा विपक्ष के पास यानी कांग्रेस प्लस के पास, 70 साल का एक्सपीरियंस है और 70 सीटें कांग्रेस की नहीं रही, तो इसीलिए ये इसको मैं एक भ्रम मानता हूँ इल्यूजन मानता हूँ। देखिए सवाल क्या है, आपने जो पूछा आपका मूलभूत सवाल कि बड़े चेहरे कौन रहेंगे, मेजर जो बड़े चेहरे रहेंगे वो सेम रहेंगे, जैसे समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव रहेंगे, मुलायम सिंह यादव रहेंगे, उनके समकक्ष या टायर बी के जो लीडर है रहेंगे, बीजेपी में आप देखिए मोदी जी रहेंगे और उनके समकक्ष जो लीडर है इंपॉर्टेंट है रहेंगे, क्योंकि दीज ये जितने पॉलिटिशियंस हैं ये सब बेसिक पिलर है किसी पार्टी के। इस चेहरे में प्रियंका गांधी का नाम भी जुड़ गया है ना, प्रियंका गांधी का अभी पता नहीं ये इलेक्शन लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, ठीक है। देखिए प्रियंका गांधी की जो बात चल रही थी मैं बोलता हूं कि ये फैक्टर तो काम करता नजर आएगा, बिल्कुल नजर आएगा, इसका देखिए जवाब ये है कांग्रेस के जो हमारे मित्र है वो सही से जवाब नहीं दे पाए, मैं बोलता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को भी कर्नाटक में लॉन्च किया, हर जगह लॉन्च किया, ये होता है स्ट्रेटेजिक वैल्यू एडिशन, हर पार्टी को लगता है कि मुझे चुनाव जीतना है और लोकतंत्र है तो कोई किसी को भी उठा के ला सकता है, ये स्वतंत्रता है, ठीक है। मैं इसका फेवर करता हूं, अगर कांग्रेस को लग रहा है कि प्रियंका गांधी के आने से या रॉबर्ट्स वाड्रा के आने से उनको बेनिफिट मिलता है तो कांग्रेस की अपनी रणनीति है, अगर बीजेपी ला रही है सब लोगों को तो वो क्यों नहीं लाएंगे। ऐसे ही समाजवादी पार्टी को लगता है कि इनको रखने से हमें फायदा है या इनको हटा देने से हमारा नुकसान बच जाएगा, मैं किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूँ, लोग दल बदल इसीलिए करते हैं, उनको अपना इंडिविजुअल बेनिफिट किसी पार्टी में अच्छा लगता है, जो इंडिविजुअल उनका गोल होता है, जो पॉलिटिकल लॉन्ग टर्म कैरियर का जो गोल होता है, तो ये चीजें हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई किसी को भी ला सकता है। लेकिन सवाल मैं एक चीज और बोलूंगा, 2014 में भी सबको जबरदस्त भ्रम था, राजस्थान यूपी कैराना वगैरह जो अभी लारी जी ने कहा, मैं सारे वो बिहार में दिल्ली में, मैं पॉलिटिक्स इतना बड़ा इल्यूजन होता है कि बड़े बड़े नेता अपने आप को जो माहिर समझते हैं फेल हो जाते हैं। बिहार में 125 करोड़ रुपए का पैकेज देने के बाद भी बीजेपी हार गई, दिल्ली में आप देखिए अरविंद केजरीवाल एकदम नए थे, पहली बार इलेक्शन लड़ रही थी आम आदमी पार्टी, उन्होंने हरा दिया बीजेपी जैसी एस्टैब्लिश पार्टी को, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इस बार बड़े से बड़ा नेता भी अगर बोलता है कि मैं जीतूंगा तो मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूं। इस बार नमो जो लहर लगी हुई थी, जो 2014 की बात की जाए तो वो नमो लहर तो कहीं ना कहीं फीकी पड़ती नजर आ रही है, मानेंगे? देखिए सवाल ये होता है, लहर जो होती है वो कई सालों में एक बार होती है, कई बार के बाद, और किसी विशेष मुद्दे पे
जब जबरदस्त परिवर्तन होना होता है, जैसे मंडल की लहर चल गई, कमंडल की या नमो की चल गई, 2014 में जिन चीजों के कारण लहर चली थी, मोदी जी को करना यह है, बीजेपी को करना यह है, वो होल्ड ऑन के स्ट्रेटजी पे है कि भाई हमें जितनी सीटें मिली थी उतनी होल्ड रहे, उससे ज्यादा हम जितना ले सके वो हमारा सरप्लस है। चलिए ठीक है, मैं एक बड़े पांच मुद्दे आपसे जानना चाहूंगी, कौन से ऐसे पांच मुद्दे हैं जिसको लेकर, सर वापस आऊंगी क्योंकि आप एक एक पार्टी से, मैं जानना चाहूंगी कौन से मुद्दे को लेकर आप चुनावी मैदान में आना चाहते हैं। पहले ए के मिश्रा जी कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं? राष्ट्रवाद की बात आती है तो हर पार्टी कहती है कि मैं राष्ट्रवादी चाहती हूं, पाकिस्तान को लेकर जो है अपना अपना नैतिक सामने आ जाता है, राफेल को लेकर कांग्रेस ने बहुत घेरा। नैन्सी मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ये देश का दुर्भाग्य है, 70 साल से जो प्राइमरी मुद्दे हैं सेम है, आज भी मुद्दा बेरोजगारी का है, आज भी मुद्दा जो है रोजगार को पैदा करने का है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, बिल्कुल भ्रष्टाचार का है, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो टाइम पीरियड के लिए आ जाते हैं, वो एक दो मुद्दे हैं वो चेंज हो गए, करोड़ रुपए छोड़ने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस सबके मुद्दे सेम है, जो 70 साल पहले मुद्दे थे वही मुद्दे लिखवा दिया आपने, मुझे लग रहा नहीं बीजेपी इनकी तारिक अहमद लारी साहब हंस रहे हैं, नीचे से मैं सवाल करने पे आ रही हूं, आप सुनिए अमित गुरुजी, ये टोटल बीजेपी प्रवक्ता बनना है, हम अब हम बीजेपी प्रवक्ता के के मिश्रा जी से बात करेंगे, पहले आदमी नहीं हो, 2014 के पहले बीजेपी बात कर रहे हैं, हर नेता ने 2014 के बाद 2017 के मंत्री ने इस्तीफा दिया, जब आपके पास जवाब नहीं होता है तो आप प्रवक्ता बनाते हो, अरे हम लोग जब आपके पास जवाब नहीं होता है प्रवक्ता बनाते हो मिश्रा जी, अरे आप अपना प्रवक्ता देख लो लारी साहब, अरे मिश्रा जी 2017 में मंत्री को हराया है, मुझे तो लग रहा है हरा नहीं थे, उनको हराया है हमने, किसको हराया, उसके भी तो बात करिए, घर में हार गए और आपके वो को करेना की सीट चुनाव हुआ था, घर हराया मंत्री को हराया आपने, अरे आप अपना घर देखो, तारिक अहमद साहब को हरा दिया, तारिक अहमद साहब बात सुनिए लारी साहब, एक बात समझिए, जनता देश की देख रही है और आप इस तरह से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अगर अपनी बात को रख रहे हैं आप उससे सहमत हो ना हो अपनी बात को रखिए, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है वो, ना ना आप मेरी बात सुनिए, नहीं आप मेरी बात सुनिए, मिश्रा जी एक प्रवक्ता है, पांडे जी आप कैसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सारी गलत बात, गलत बात, कांग्रेस को लेकर मैंने देखे आप खोलना तो आपकी पार्टी की ऐसी कैसी हो जाएगी, समझ में नहीं आएगी, आपने कोई बात अभी तक नहीं करी है, अरे मित्रा जी भैया हमको भी बोलने दो, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे बोलने दो, मैंने पहले बोला आप जीतिए, मुझे क्या लेना है आप हारो या जीतो, हम आपको बोलने नहीं देंगे, चुप होंगे सर, मुझे तो बोलने दीजिए, बिल्कुल समझिए ना, देश की जनता देख रही है आपको किस तरह से बहस कर रहे हैं, मैं लगातार चिल्ला रही हूँ, सवाल कर रही हूँ, मैं आप सभी का ऑडियो जो है बिल्कुल डाउन करवा दूंगी, आप मेरे सवालों का जवाब देना बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर, एके मित्रा जी आपको पर्सनली किसी के लिए नहीं जाना है, वो अपनी बात रख रहे हैं उनकी बात सुनिए, आपकी सरकार को खतरा हो गया, जितने प्रवक्ता है हिलने लगे सब लोग, जवाब तो हम देंगे ही, क्या बात कर रही है, तारिक अहमद लारी जी आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना सर, बात करी आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, सर देश की जनता देख रही है आपको, आप लोग किस तरह से बहस कर रहे हैं, आप ये बताएं कौन किसका प्रवक्ता है, आप सिर्फ अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी बात को रखिए, एके मिश्रा जी आप प्लीज मेरी बात सुनिए, सवाल को जवाब दीजिए ना जी, आप मुझे ये बताइए, आप सिर्फ ये बताइए मुझे, ऑडियो बंद कीजिए, अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बना दिया है ना सर, एके मिश्रा जी चुप हो जाइए आप,
मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि सवाल आपके लिए भी है, आपसे पूछूंगी। सर पहली बात तो ये, आप लोग लगातार बोलेंगे किसी को समझ नहीं आने वाला, एक एक करके बोलिए। अगर आपको किसी बात को लगता है कि मैं इससे वाकिफ नहीं रखता हूं तो रख सकते हैं, आपको पूरी आजादी है, हम लोकतंत्र में जीते हैं और हम किसी को, हर किसी को आजादी। लेकिन सोचिए सर, पर्सनली जाना क्या ठीक है, देश की जनता देख रही है और हम इस तरह से बहस कर रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। ये डिबेट का एक मुद्दा जो है वो आप पूरा भड़का दे, पूरा भटका देते हैं, तो ये ठीक नहीं है ना। इतना अहम मुद्दा है, 5 बजे के लगभग कुछ ही देर बाद अभी जो है चुनाव आयोग की मीटिंग, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने वाली, उस पर निगाहें चिकी हुई है और आप इस तरह से बहस कर रहे हैं। आप सिर्फ मुझे आप इतना बताइए किस चुनाव, किस मुद्दों को लेकर जो है आप मैदान में उतरेंगे अपनी अपनी पार्टी की ओर से, क्योंकि लगातार राफेल को लेकर जो है मुद्दा उठाया गया है कांग्रेस की ओर से। अशोक अमित गुरु जी, आप बताएं मुझे, राफेल को लेकर आपने घेरा है, आप पाकिस्तान का जब मुद्दा आता है आप कहते हैं हम साथ में हैं सरकार के, लेकिन पीछे जाकर कुछ और ही बातें सामने आती हैं। राष्ट्रवाद की बात आती है तो हर पार्टी कहती है कि हम ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। किसान को लेकर जो है आपने अपने मुद्दों को रखा है, अपनी बातों को रखा है, आपने सरकार को घेरा है, लेकिन किन किन मुद्दों को लेकर आप जमीन पर उतरेंगे, क्या कहेंगे जनता से कि हम इन मुद्दों को लेकर आपके सामने हैं? देखिए बड़ा स्पष्ट है, हमारा मुद्दा साफ सुथरा है। हमारा मुद्दा है उन नौजवानों को जो बेकार हैं, जिनको रोजगार की जरूरत है, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसानों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें राफेल जैसा बड़ा महाघोटाला, 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ हम जो आपने कहा कि पाकिस्तान की बात आपने कहा कि आप युद्ध के ऐसे समय में आप साथ रहते हैं और बाद में आपका स्टैंड, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम कब पीछे हटे हैं? आप इतिहास में जाइए और दुश्मन देश के साथ लड़ाई की भूमिका भारतीय कांग्रेस की आप देखिए। हम बीजेपी को बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी को प्रोपेगेंडा बनाना है, आतंकियों के जो है आप सबूत मांग रहे हैं, इसको लेकर किस तरह से एयर मार्शल सामने आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कहा गया है कि हमें जो मकसद मिलता है वो टारगेट सेट करने के लिए मिलता है, आतंकियों की गिनने के लिए, काउंटिंग करने के लिए वहां पर टारगेट नहीं दिया जाता। तो नहीं लगता कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अलग कर देना चाहिए कि यहाँ तो हम कम से कम एक हो? जी अब मैं आपको बताता हूँ, आप ही के मीडिया चैनलों में कहीं 200 कहीं 250 कहीं 300 कहीं 400 के आंकड़े आते हैं। अगर किसी मीडिया कर्मी से ये सवाल होता है तो ये सवाल आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम सेना से कर रहे हैं? पहली बात, सेना सेना है, प्रधानमंत्री मीडिया कर्मी से वही सवाल वही जवाब लेकर आते हैं जो सवाल आप लोगों के बीच से आ रहे हैं। अमित शाह ने जो कहा वो आंकड़ा दिखाया, प्रसाद मौर्य के बयान को देखिए, अलग अलग जो बयान सामने आए हमने वो दिखाए। आपने सवाल पूछ लिया, आप क्यों क्लियरिफाई कर रहे हैं? आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब मैं क्लियरिफाई करूंगी सर, बिल्कुल करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। आपने कहा कि हम देते हैं, मीडिया कर्मी देते हैं, जो आपके बीच से जो बयान आते हैं वही तो देते हैं। अमित शाह ने जो बयान दिया वही तो हमने प्रेजेंट किया था। आंकड़े डिफर क्यों है? आप अपने ठीक है, आप अपनी बात रखिए। जो आंकड़े डिफरेंस, इतने डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं, आप खुद देखिए। और येदुरप्पा का बयान जरा आप देखिए, उन्होंने कहा एयर स्ट्राइक के बाद हमारी 20-22 सीटें बढ़ गई, 22 सीटें हम जीतेंगे कर्नाटक के अंदर। जवाब लेंगे ना अशोक पांडे जी से? नहीं है, आप बड़ी 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 गाड़ियों पे आप सैनिकों का होर्डिंग्स लगा के, पोस्टर लगा के आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जिस समय पुलवामा में हमारे 40 शेर जांबाज जो है मौत की नींद सो गए, शहीद हो गए, उस समय मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जो है संगम तट पे बैठ के जो है मंच पे ठुमका लगाते हैं। आप इस चीजों को देखिए। और आप कह रही सुरक्षा की बात, मनोज तिवारी का एक बयान आया था कि जिस समय एयर स्ट्राइक हो रहा था उस समय 3 बजे रात से मैं जगा था, मैं इंतजार कर रहा था कि हमारे किसी सैनिक को कुछ हो ना। इतनी सिक्योर्ड मैटर, इतनी सिक्योरिटी की चीजें जो बिल्कुल सीक्रेट होनी चाहिए थी, जो प्राइम मिनिस्टर का नाम होगा, होम मिनिस्टर या रक्षा मंत्री का नाम मुझे नहीं जानते, मैं समझ पाता किसी को जानकारी होगी, वो जानकारी मनोज तिवारी के पास है। सुरक्षा के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और राजनीति मुद्दे को लेकर हमेशा ये लोग कर रहे हैं। नहीं बताया कि आप जनता के बीच में अपने मैनिफेस्टो में क्या कुछ शामिल करने वाले हैं, एजेंडा बताइए सर 2019 का। बता दिया, पहले कर दिया, मैंने तो बता दिया, रोजगार को लेके, किसानों की परेशानी को लेके, महिला सशक्तिकरण को लेके और भ्रष्टाचार को लेके। देखिए जिस दिन ये सरकार गद्दी से हटेगी ना, जो ये फेक डाटा सारे समाज में फैला रहे हैं और जिस दिन ये गद्दी से हटेंगे सारी चोरी पकड़ी जाएगी। और हद तो तब हो गई
नैन्सी जी हद तो तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट में जाके आप कहते हैं कि राफेल की फाइल चोरी हो गई, दूसरे दिन कहते हैं फोटोकॉपी चोरी हो गई, तीसरे दिन कहते हैं राफेल मिल गई। अशोक पांडे जी, अरे क्या बयान, ये एक बात मैनिफेस्टो को लेकर बताया क्या क्या मुद्दे आपके पास होने वाले। एक बार जो है तारिक अहमद लारी जी आपके पास, अशोक पांडे जी वापस आते हो, एक मिनट रुकिए प्लीज, आप एक मिनट रुकिए। तारिक अहमद लारी जी, क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर जनता के बीच आप होंगे, जिसको लगता है कि भरोसा आपको मिलने वाला है, तो ऐसे कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आने वाले हैं? देखिए मैडम, पहले तो आपको मालूम ही होगा हमारी पार्टी नौजवानों किसानों की पार्टी है, तो हमारे मुद्दे उनके लिए सबसे पहले उठेंगे। किसानों का लोन का है, किसानों की आत्महत्या का मामला जो इधर बढ़ा है, जो नौजवानों का मामले बढ़े हैं, और जो कानून व्यवस्था यूपी में है कि अब पुलिस ही डकैत हो गई है, योगी की पुलिस, आपके डीजीपी, आपके शासनकाल में क्या था सर? इस्तीफा दे देना चाहिए था। और लखनऊ में मैं वही बता रहा हूँ, कानून व्यवस्था, हाँ मैम कानून व्यवस्था है। अब आप आइए दूसरे मुद्दे पे, जो डिफेंस से जुड़े मुद्दे हैं, जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े वो मुद्दे हैं, आप ये समझिए कि एक फाइल संभाल कर नहीं रख पाना और कह रहे हैं देश जो है सुरक्षित हाथों में है, फिर कहते हैं दूसरे हटता नहीं फोटोकॉपी चोरी हुई, फिर कहते नहीं ओरिजिनल मिल गई। ये मतलब प्रधानमंत्री की तरफ से, उनके कैबिनेट के लोगों की तरफ से, सचिव की तरफ से बयान आ रहे हैं, क्या ये बयान देने का तरीका होता है? आप पब्लिक को क्या बताना चाहते हैं कि आप कितने सुरक्षा में हम लोग को रखे हुए हैं? अरे वो 40 नौजवान मर गए, वो हम लोग की सुरक्षा कर रहे थे, मोदी जी नहीं कर रहे हैं, कोई मोदी तो जी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, कोई योगी जी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, योगी जी अगर सुरक्षा, मैम क्या बड़ा कदम उठाया गया, तो मैं भी सवाल कर लेती हूं, बहुत छूट भी गई, छूट दी गई है सेना को, बिल्कुल 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 आएगा नैन्सी जी, मुझे भी तो बोलने का मौका दे सर, आपके पास ही आ रही बस, इसके बाद आपके पास आऊंगी। जो आप कह रही हैं, हम तो सिर्फ ये सवाल करते हैं, हम मीडिया से सवाल कर रहे हैं, हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, हम सेना के ऊपर ना उंगली उठा रहे हैं, ना हम सेना से सवाल कर रहे हैं, मीडिया से सवाल क्यों कर रहे हैं सर? मीडिया तो खुद सवाल करती है, 300 का आंकड़ा, मीडिया तो खुद सवाल करती है, हम आपसे सवाल करते हैं, हम मैम बात तो सुन लीजिए, बताएं मैम सुनेंगी, 250 350 250 400 के आंकड़े मीडिया ने किस पे दिखाए? चलिए अगर उन्होंने, अमित शाह ने बोला, तो मैं अमित शाह जी से सवाल करता हूं कि आपको ये 250 300 400 के आंकड़े कहां से मिले, योगी जी को कहां से मिले, येदियुरप्पा को कहां से मिले, ये इन लोगों को कहां से मिले? राज ठाकरे दूसरी तरफ कह रहे हैं अजीत डोभाल को पकड़ लो, अपने आप सारी सच्चाई पता चल जाएगी, ठीक है, इन सब का जवाब मैं ले लूंगी अशोक पांडे जी से, लेकिन फिलहाल आप ये बता दीजिए जनता के बीच में किस मुद्दों को लेकर रहेंगे? जनता ये सवाल नहीं कर रही है, बताया किसान के मुद्दों को लेकर रहेंगे, किसान के मुद्दे को लेकर रहने वाले हैं, और क्या क्या मुद्दे हैं ऐसे? किसान सब मुद्दे हैं, सुरक्षा बता दी आपने मैम, 15 लाख रुपए आ गए, सुरक्षा आ गई, 15 लाख रुपए आ गए, जो इन्होंने वादे किए थे वो हो गए, कंप्लीट हुए, सुरक्षा थी सर वो भी देखा था, झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, तमाम मीडिया कर्मी लगातार बहुत सुरक्षित रहते हैं, कभी हमारे कार्यकाल में ये नहीं हुआ कि घर में घुस के पुलिस से डकैती डाली हो, कभी हमारे कार्यकाल में ये नहीं हुआ कि पैसे वसूली के लिए एप्पल के एरिया मैनेजर को उसकी दोस्त के सामने गोली मार दी हो, ये नहीं हुआ हमारे वहाँ, इस तरह से होगा? आपके कार्यकाल में बहुत दंगे हुए, उसका जिक्र नहीं करेंगे, तो उसको पैसा देते हैं, इन्होंने क्या दिया? आपके कार्यकाल में दंगे हुए, आपके कार्यकाल में बलात्कार के केस में वो सबसे ज्यादा थे, इसका जिक्र नहीं करेंगे, महिला सुरक्षा को लेकर सिर्फ दम भरने से कुछ नहीं होता है सर, आंकड़े जब सामने आते हैं ना तब हकीकत सामने आती है, आंकड़े जब सामने आते हैं ना तब समझ में आता है, राष्ट्र सुरक्षा का मुकदमा लगा था बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे, उनको चार्जशीट से हटा दिया गया, ये क्या मामला है? और आपने उन लोगों के ऊपर डाल दिया क्योंकि वो मुसलमान थे, दलित थे, उनके ऊपर आपने मुकदमे डाल दिए, ठीक है, क्योंकि वो बीजेपी के नहीं थे, या समझो कि बीएसपी की ओर से भी आपके साथ कोई मुद्दा जुड़ने वाला है, क्योंकि महागठबंधन है, दोनों एक साथ में हैं आप, तो दोनों की ओर से यही मुद्दे हैं, इसी पर चर्चा हुई है? यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दे सब दोनों के नहीं, सब पूरी ऑपोजिशन के कॉमन मुद्दे होंगे, बिल्कुल, आरएलडी को कैसे जवाब चाहता है, जनता जवाब चाहती है, आरएलडी भी आपके साथ है, उनको नहीं, जो आपने पैसे दिए गन्ना किसानों, बढ़ना चले, लेकिन क्या मजबूरी